नमस्कार इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आप सबका स्वागत है। आज के इस सॉलिड वर्क्स के वीडियो में मैं आपको असेंबली बताऊंगा, रोलर ट्रैक की असेंबली, जिसके मैंने पार्ट्स मैंने उसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है अलग से, तो आप उस प्लेलिस्ट से उसके सारे वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे मैं असेंबलीज की एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको रोलर ट्रैक की असेंबली ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, आपको सब एक्सप्लेन करके। तो देखिए, ये मैंने सॉलिड वर्क्स का इंटरफ्यूम सॉलिड वर्क्स ऑन कर दिया मैंने। अब यहाँ से मैं न्यू पेज पे जाता हूँ, एरो पे, जो एरो दिख रहा है ना आपको, मैं एरो पे क्लिक करूँगा और न्यू पे क्लिक करूँगा। अब मुझे देखिए, मैंने पार्ट बना रखे हैं, ठीक है ना इसके। अब मैं क्या करूँ, सीधा असेंबली करूँगा। मैंने इन सभी के पार्ट्स बना के एक फोल्डर में सेव कर रखा है। अब मैं आपको सीधा इसकी असेंबली करके दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी अगर आप उन पार्ट्स को, मतलब कैसे उन पार्ट्स को हम ड्रॉ करेंगे उसकी देखनी है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन बेनिफिशियल वीडियोज़ को प्लीज़ इंजीनियर्स फैलाएं, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहता आ रहा हूँ आपसे। और अगर आपने मेरे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी असेंबली, एंड देन ओके, ठीक है। इतना करेंगे, अभी आपका असेंबली पेज ओपन होगा, ठीक है दोस्तों। और असेंबली का मैं पहले तो आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक क्या होता है, असेंबली में क्या होता है, हमें दो पार्ट्स को जोड़ना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पार्ट में क्या है, ये अलग है, केवल येलो येलो शो हो रहा है। असेंबली में येलो प्लस ये ग्रीन दो शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये लास्ट में आता है आपका डिटेलिंग करना। डिटेलिंग में जैसे उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ठीक है ना, हो गया आपका, और एक प्लस आइसोमेट्रिक व्यू, तो ये आपकी डिटेलिंग हो गई, ठीक है, ड्राइंग इन डिटेलिंग, और वो आपका पार्ट, तो ये आपका इंटरफेस ऑन हो गया, ठीक है ना, असेंबली का, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से ये पूछ रहा है, ये आपकी प्रॉपर्टी ट्री वाल होता है, ठीक है, बीइंग असेंबली, ठीक। अब मुझे किसकी असेंबली, सबसे पहले आपको पार्ट को यहाँ से ब्राउज करवाना पड़ता है, ठीक है ना, कि ब्राउज मतलब आपने उसको कहाँ पे सेव, किस लोकेशन क्या दे रखी है आपने उसको, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ब्राउज करवाता हूँ। मैंने जैसे डी में किया हो, डेस्कटॉप पे किया हो, या फिर एक अलग फोल्डर बना के किया हो उसका, ठीक है ना। मैंने उसको रोलर ट्रैक की असेंबली पार्ट्स नाम से सेव किया हुआ है दोस्तों, रोलर असेंबली पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका पार्ट वन है, ठीक है ना। जैसा कि थंबनेल में देख रहे हैं, रोलर में हम सबसे पहले रोलर को कॉल आउट करवाएंगे, ठीक है। तो मैं रोलर के पार्ट वन पे क्लिक करता हूँ। अब ये यहाँ पे हम इसको ड्रैग करके रख देंगे, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, तो जैसे ये हमने इसको रख दिया। और इस, अगर इसकी प्रॉपर्टी देखनी हो इस पार्ट की, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टी देख सकता हूँ। ये मेरा पार्ट क्या है, फिक्स है, फ्लोट मतलब ये अनफिक्स हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं फ्लोट पर क्लिक कर दूंगा। और ये हमारा जो मतलब असेंबली में जो हमारा पहला पार्ट रहता है, वो क्या रहता है, ऑलरेडी फिक्स रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है द सेलेक्टेड कॉम्पोनेंट इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट बी मूव, ठीक है ना, ये मूव नहीं हो सकता। अगर मुझे इसे मूव करना है तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फ्लोट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम मूव करवा सकते हैं इसको, ठीक है ना, और यहाँ से भी मूव करवा सकते हैं कॉम्पोनेंट को मूव करना, बट असेंबली के जो रूल्स हैं आपके, उसको लेके आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है, ये हमने फिक्स कर दिया, अभी फिक्स हो जाएगा आपको दोस्तों, देखिए फिक्स हो गया। सेलेक्ट थोड़ा स्लो वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे किसी दूसरे पार्ट को कॉल आउट करवाना हो, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट कॉम्पोनेंट्स के पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका मेट भी है, लीनियर कॉम्पोनेंट है, ठीक है, स्मार्ट फास्टनर्स, अभी मैं आपको इसमें आपको इंसर्ट कॉम्पोनेंट्स, मेट, लीनियर कॉम्पोनेंट, इन सब का यूज़ पड़ेगा, मूव कॉम्पोनेंट का यूज़ पड़ेगा, तो हम इसको करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, सिंपल वे, ये बिगनर्स के लिए और एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखना कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। अब जैसा ये मैंने बताया आपको, अब मुझे इसके प्लेट चाहिए पार्ट टू, तो मैं यहाँ से इंसर्ट कॉम्पोनेंट पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट कॉम्पोनेंट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं क्या करूँगा, ब्राउज करवाऊँगा उस पार्ट को, और उस पार्ट को मैंने यहाँ सेव कर रखा है, क्लिक कर दूंगा, और इसको क्या करेंगे, माउस के रोलर को ऊपर घुमाएंगे तो ये छोटा होगा, ठीक है, नीचे घुमाएंगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है ना, और ड्रैग करवा के इसको हम रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है।
तो मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे रख दिया और मैं कंट्रोल दबा के इसको पैन करवा सकता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मान लीजिए हमेशा हम क्या करेंगे असेंबली में दोस्तों, पार्ट को लेवल में लेके आएंगे, उससे क्या होता है आपकी असेंबली करने में इजी हो जाती है, ठीक है। नहीं तो आपकी असेंबली बिगड़ सकती है, ठीक है। तो हमेशा पार्ट्स को लेवल करके लाना, ठीक है। अब लेवल कैसे करके लाते हैं, अभी देखिए अभी तो पार्ट ठीक है, ठीक है। मैं दूसरा पार्ट जब लेके आऊँगा इस चीज़ का, पार्ट थर्ड या पार्ट फोर्थ, तो उसमें आपको मैं क्लियरली बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने दोस्तों ये यहाँ पे लीनियर पैटर्न का कलर अलग क्यों कर रखा है और इसका अलग क्यों कर रखा है, इसलिए कर रखा है ताकि आप बढ़िया से स्पेसिफाई कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मुझे इस होल को इससे क्या करना है, अटैच करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ से मेट कराऊंगा, चूँ जोड़ना है तो मैं मेट पे क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ गए, एडवांस मेट, मैकेनिकल मेट्स, तो इन सब के बारे में आगे बताऊंगा आपको मैं अभी, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, सिंपली मैं इस पे क्लिक करता हूँ अंदर वाले फेस पे, ठीक है। अंदर वाले फेस पे क्लिक करेंगे, अब मैं इस रोलर के इधर जो एक्सट्रूजन बाहर निकला है इसके ऊपर वाले फेस पे क्लिक करूँगा, तो ये लेवल में आ गया आपका, ठीक है। एंड देन ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो पॉप ओपन हो रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डिस्टेंस देनी हो, कितनी डिस्टेंस में आपको दोनों मेट चाहिए तो आप डिस्टेंस दे सकते हो, किसी एंगल पे चाहिए तो एंगल दे सकते हो, रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए तो आप रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से अंडू करना है तो अंडू कर सकते हो, और ये राइट क्लिक है, ठीक है, ओके कर देते हैं यहाँ से हम, ठीक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, इस होल को ये जो बाहर निकला है इसको पूरा यहाँ पे फिक्स करो, मतलब मेट करवाना है। तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, मेट में तो मैं हूँ ही ऑलरेडी, मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसके फेस को, ऊपर वाले फेस को मैं क्लिक करता हूँ, फिर इसके फेस को क्लिक करता हूँ, देन ओके ठीक, ये हो गया आपका, ठीक है। एंड देन लास्ट में क्लिक कर देते हैं राइट क्लिक, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ अपनी असेंबली में, थंबनेल में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 120 डिस्टेंस पे हमारे 5x है, 4x है, ठीक है रोलर। तो मैं क्या करूँगा इसको, मैं वन बाय वन करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको क्या कर दूँगा, लीनियर पैटर्न, तो यहाँ पे देखिए इसको लीनियर पैटर्न आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, लीनियर पैटर्न गिवन है आपका असेंबली में भी। आप देखिए लीनियर पैटर्न में मैंने आपको स्केचिंग में बता रखा है, पार्ट डिजाइन में बना रखा है, बता रखा है कि हम लीनियर पैटर्न कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लीनियर पैटर्न के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन वन दिया मेरे को, तो डायरेक्शन वन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई सी भी चूज कर लूँगा, ठीक है, पिक करते हो। अब ये पूछ रहा है इंस्टेंस कितना रखना है आपको, डिस्टेंस की स्पेसिंग उसके बीच में मुझे 120 रखना है, गिवन है मेरा, ठीक है। और नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने हैं आपके, 1 4 5, लेके काउंट करेंगे। अब कॉम्पोनेंट्स टू पैटर्न मुझे इस सर्कल को करना है, रोलर को, ठीक है। एंड देन ओके कर दूंगा, ठीक है, ये आपका हो गया उतने नंबर पे इजीली, ठीक है। और देखिए अब मैं थर्ड में क्या देख रहा हूँ, थर्ड में देख रहा हूँ कि ये प्लेट मेरी इधर भी लगी हुई है, तो मैं क्या सिंपली क्या करूँगा, इसको मिरर करवा दूंगा। और मिरर के लिए हम क्या करें, मिड प्लेन, देखिए इसीलिए मैंने बताया था आपको कि रोलर के मतलब असेंबली को आप देख लिया कीजिए ध्यान से, उसको रीड किया कीजिए ड्राइंग को, कि किस कौन सा पार्ट मुझे मिड में रखना है, कौन सा मुझे मिड में नहीं रखना है अभी इस वक्त, ठीक है ना। तो मैंने इस रोलर को इसलिए मिड में करके ड्रॉ किया था ताकि ईजिली हम इसको मिरर कर सकें प्लेट को, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको मिरर। तो मिरर के लिए दोस्तों हम लीनियर कॉम्पोनेंट पैटर्न में जाते हैं, मिरर कंपोनेंट में जाएंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है मिरर प्लेन, पहले पूछ रहा है तो मिरर प्लेन क्या है मेरी। अब मिरर प्लेन मुझे इस रोलर की मिड प्लेन चाहिए, तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस के सिंबल पे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो इसकी असेंबली की मिड प्लेन दिखा रहा है, ठीक है ना, बट मुझे किसकी चाहिए, रोलर की। तो ये तो पार्ट की हो गई, ये रोलर की हो गई, तो मैं यहाँ पे दोबारा प्लस के क्लिक करूँगा तो यहाँ पे और भी ऑप्शन मुझे शो होंगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे क्लिक करता हूँ। अब पार्ट मेरा क्या है, देखिए वन बाय वन में इनको डीसेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, हटा दूंगा, मुझे ये पार्ट चाहिए, ठीक है ना। इस पार्ट को भी मैं क्लियर सेलेक्शन कर देता हूँ और इस पार्ट को मैं पिक करता हूँ, एंड देन ओके ठीक। तो ये देखिए दोस्तों ये मिरर हो गया आपका, ठीक, ये पार्ट आपका। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, इसका पार्ट थर्ड, तो पार्ट थर्ड को मैं कॉल आउट करवाता हूँ। जैसे इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, इंसर्ट ब्राउज पे जाएंगे, अब वही लोकेशन आपकी ऑन होगी, ठीक है। तो अब मुझे पार्ट थर्ड को क्या करना है, इंसर्ट करवाना है। अब इसको मैंने बताया था जैसे भी ये जैसे भी यार इसको क्लिक कर दीजिए भाई स्क्रीन पे, ठीक है,
स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका स्टेबल हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको जैसे भी रोटेट करना मूव करना, अभी मुझे इसे रोटेट करना, तो रोटेट का ऑप्शन क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए डायग्राम में देख रहा हूँ ये इसका चेम्फर व्यू ये इस तरह से मुड़ा हुआ है। ठीक है, चेम्फर व्यू नीचे आएगा और फिलेट ऊपर रहेगा। ठीक है एंड ओके। और याद रखना दोस्तों, आपकी जो असेंबली के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर फंसने नहीं चाहिए, अगर फंस जाएंगे तो फिर वो असेंबली हो नहीं पाएगी आपकी। ठीक है, तो इन सब बात छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना असेंबली करते वक्त आपको। ठीक है, पार्ट आपके फंसने नहीं चाहिए। यहाँ से उसको मूव कराता हूँ, मैं मूव करवा के यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करके देखता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा रोटेट करने के लिए माउस के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए आपका। ठीक है ना, डिज़ाइनिंग करते वक्त माउस के ऊपर फुल कंट्रोल होना चाहिए आपका। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से अभी भी ये लेवल में, चलिए अब यहाँ से हम इसको मेट करवाते हैं। ठीक है, मैं इस फेस को इस फेस से मेट करवाता हूँ एंड देन ओके। ठीक, पहले इसे ओके करेंगे। ठीक है, सॉरी मैंने कैंसिल किया था, कोई बात नहीं, ये की बात है आपकी। इसे हम मूव करवाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक, फिर हम मेट पे क्लिक करते हैं। अब इसकी बाहर वाली, अब इसकी अंदर वाली फेस पिक करेंगे हम ये। ठीक है दोस्तों, अब मैं सिंपली इसको यहाँ से इस फेस को पिक करता हूँ और इस फेस को पिक करता हूँ। ठीक, यहाँ से ओके। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यही मेरा इधर भी मिरर है। ठीक है ना, ये पार्ट मेरे को इधर भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसको मिरर करवा दूंगा। ठीक है ना, मिड प्लेन हमारी क्या आएगी, रोलर की फ्रंट प्लेन रहेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको मिरर। तो मिरर के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, हम किस में जाएंगे, लीनियर कॉम्पोनेंट में जाएंगे। तो यहाँ आपको मिरर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पर सबसे नीचे मिरर कॉम्पोनेंट, अब वो पूछ रहा है मिरर प्लेन, इसको आप लोग ध्यान में देखना प्रॉपर्टी में क्या कह रहा हो, सबसे पहले पूछ रहा हो मिरर प्लेन। ठीक है, तो मिरर प्लेन पर मिरर प्लेन मुझे कहाँ से मिलेगी, यहाँ प्लस के सिंबल पर क्लिक करूँगा, फिर मैं किस में जाऊँगा, हमारा पार्ट था रोलर का। ठीक है, तो रोलर का पार्ट है फ्रंट प्लेन, ये है आपकी। ठीक है, अब कॉम्पोनेंट्स टू मिरर किसको करना है मुझे, बस मैं उस कॉम्पोनेंट में क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो वो हाईलाइटेड हो जाएगा। ठीक है, एंड देन राइट क्लिक, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, इस तरह से तो ये मिरर हो गया। ठीक है ना, अब इस रोलर ट्रैक में क्या है आपका लास्ट पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 4, तो उसको भी हम कॉल आउट करवाते हैं। इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे, इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज और पार्ट नंबर 4 पे क्लिक करते हैं और इसको कहीं कहीं भी स्क्रीन पे रख देंगे। ठीक है, वर्किंग एरिया में, अपने ड्राइंग एरिया में, जो हम इसको यहाँ पर ड्राइंग कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम पूरे को ड्राइंग एरिया बोलेंगे, जैसा कि ऑटो कैड में भी बोलते थे। ठीक है, जहाँ पे हम ड्राइंग करते हैं उसको हम ड्राइंग एरिया बोलेंगे। ठीक है, और रोटेट कंपोनेंट, इसको मैं रोटेट करता हूँ। ठीक है, रोटेट करवा दिया मैंने माउस से, बस आपको क्या करना है, माउस के राइट बटन, राइट वाला जो बटन है उसको प्रेस करके रखना है और होल्ड करना है। ठीक है, और इसको ड्रैग करवाना है, इशारा देना है आपको बस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फ्री ड्रैग करवा रहा हूँ, फ्रीली इसको बस क्या कर रहा हूँ, ड्रैग करवा रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आपको रोटेशन की वैल्यू देनी है तो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है ना, तो अभी हमें इसको मेट करवाता हूँ। ठीक, ठीक है दोस्तों, और याद रखना कोई भी ऑब्जेक्ट आपका कॉम्पार्ट आपका फंसा होना नहीं चाहिए असेंबली के अंदर, अगर वो फंस गया तो फिर वो मेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना इस बात को। अब इस फेज को मैं इस फेस से क्या करूँगा, मेट करवा दूंगा। ये आ गया लेवल में दोस्तों। अब देखिए मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये अभी प्रॉपर पूरा फुल लेवल में आया नहीं है, तो उसके लिए मुझे फिर दोबारा मैं मेट में जाता हूँ और इस फेस को मैं क्या करूँगा, इस फेस से मैं मेट करवाऊँगा। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों आप लोग, इस फेस से मैं मेट करवाता हूँ एंड देन ओके। ठीक, अब ये लेवल में आ गया दोस्तों।
अब मैं क्या करूँगा, लास्ट में मैं इसको, सॉरी ये सेलेक्ट नहीं हुआ आपका, इस फेस को सेलेक्ट करूँगा और इस फेस को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है, एंड देन ओके पे क्लिक करूँगा, ये आपका क्या हो गया, मेट हो गया, ठीक है, ठीक, क्लियर दोस्तों, क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपकी रोलर की असेंबली फाइनली रेडी हो गई, ठीक है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग असेंबली है, ठीक है, रोलर ट्रैक की। अब देखिए नेक्स्ट वीडियोज में मैं इसका आपको सिमुलेशन और एनिमेशन करके दिखाऊंगा, सॉरी उसका मैकेनिज्म कि ये चलेगी कैसे, और फिर लास्ट में मैं इसका AVI, कैसे AVI फाइल हम सेव करते हैं वो करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे चैनल इंजीनियर कैड मास्टर से जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सॉलिड वर्क्स के प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स में लाते रहूँगा आप लोगों के लिए दोस्तों। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, मिलते हैं इसके असेंबली के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, तो नमस्ते दोस्तों।